ब्यूटीफुल पीपल, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? चैट लवर्स 111 पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गाइस। कलेक्टिव रीडिंग कर रही हूँ और आज का रीडिंग रिक्वेस्टेड रीडिंग है गाइस, ठीक है। आप में से ही हमारे फैमिली मेंबर ने मुझे कमेंट किया है और वो जानना चाहती है कि क्या उनके पर्सन इस रिश्ते को लेकर सीरियस है या फिर ये सिर्फ एक टाइम पास है, ठीक है। तो आप सभी के लिए रीडिंग होने वाली है जिन्हें ये जानना है कि आपके पर्सन आपके रिश्ते के लिए और आपके लिए कितना सीरियस है, या फिर जो भी उन्होंने आपके साथ किया था, प्यार मोहब्बत की बातें, झूठे वादे या फिर सच्चे वादे, है ना, वो सिर्फ एक टाइम पास था। तो इसी पर आज की रीडिंग हमारी कलेक्टिव होने वाली है। अगर आपको रीडिंग पसंद आती है तो इस पर हम पिकअ कार्ड भी कर लेंगे, ठीक है गाइस। कमेंट करके बताना अगर आपको इसमें पिकअ कार्ड चाहिए। अगर ज़्यादा कमेंट्स आए पिकअ कार्ड के लिए तो मैं पिकअ कार्ड भी इस पर करूँगी। अभी के लिए फिलहाल हम करते हैं कलेक्टिव। तो आज का हमारा टॉपिक, क्या वो इस रिश्ते को लेकर सीरियस है या फिर सिर्फ टाइम पास था इनका ये, है ना। देख लेते हैं क्या निकल कर आता है। कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग है, सभी के साथ रेजोनेट हो जरूरी नहीं है। कुछ पास्ट की बातें बताऊंगी ताकि आपको रीडिंग रेजोनेट करने में आसानी हो जाए, और प्रेजेंट भी आपको बताऊंगी, फ्यूचर भी आपको बताऊंगी कि इस रिश्ते को लेकर वो कितना सीरियस है, ठीक है। चले गाइस, मैंने कर ली है कार्ड्स की शफलिंग, निकालते हैं कुछ कार्ड्स। वाह, पहला कार्ड आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, है ना। सन, बहुत बेहतरीन कार्ड्स आए हैं। डेथ देख लीजिए, मेजर अरकाना से डेथ भी आया है। चुनो उनो कार्ड, फोर ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, नाइन ऑफ कप्स, हैंगमैन, एस ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ सोर्ड्स, एक लास्ट कार्ड चाहिए गाइस। हर्मिट, वाव, और बॉटम में हमें मिला है जस्टिस, ठीक है गाइस। ये रहे कार्ड्स जो मैंने निकाले हैं टैरोट से। मैं चाहती हूँ कि यूनिवर्स की तरफ से भी कुछ निकाला जाए और पता किया जाए कि ये इंसान आखिर में सच में है क्या, है ना। यूनिवर्स को क्या लगता है कि वो आपके लिए सीरियस है या फिर सिर्फ ये टाइम पास कर रहे थे आपके साथ अब तक, और फ्यूचर में भी टाइम पास करेंगे या सीरियस होकर आएंगे, क्या है। यूनिवर्स की तरफ से भी कुछ कार्ड्स निकाल ही लेते हैं ताकि पुष्टि हो जाए, मुहर लग जाए, प्रूफ हो जाए हमें, है ना, क्योंकि हमें ऊपर वाले पर बहुत भरोसा है। वो जो बताते हैं, उनकी गाइडेंस जो होती है वो सच होती है, तभी मैं यहाँ से भी निकाल रही हूँ। इनोसेंस, अच्छा। आपको ध्यान देना है कि यूनिवर्स से जो निकल रही है वो एक सच्ची बात है जो यूनिवर्स को लगता है आपके पर्सन के बारे में। धोखा देने के लिए आए हैं या फिर सच्चाई है इनके प्यार में, क्या है, चलिए देख लेते हैं। कंपैरिजन, ओके। मैच्योरिटी,
ये कार्ड्स को देखकर जो मुझे लग रहा था वही बिल्कुल यूनिवर्स की तरफ से भी निकल कर आया है। करेज, वाव। चलिए ये चार कार्ड्स मैंने निकाले हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए, आपके लिए नहीं, ये आपके पोषण के लिए है आज। ओके, कि उनमें क्या क्या खूबियां हैं, कैसे है वो इंसान आपके पोषण। ओके, तो यहाँ पर साइन और एलिमेंट मैं आपको बता देती हूँ कि सबसे ज्यादा क्या निकल कर आया है। यहाँ पर वर्गो बहुत स्ट्रांग है, स्कॉर्पियो स्ट्रांग है और लिब्रा स्ट्रांग है इस रीडिंग में। इसके अलावा मुझे सबसे ज्यादा कप्स की एनर्जी नजर आई है, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। उसके बाद यहाँ पर एयर साइन है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। उसके बाद अर्थ साइन है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर फायर साइन भी नजर आई है, लियो, सैजिटेरियस, सिंह, धनु और मेष राशि। तो गाइस चलिए आज बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ कि क्या वो इस रिश्ते को लेकर सीरियस है या फिर वो बस टाइम पास कर रहे थे या फिर टाइम पास करने वाले हैं, है ना। तो सबसे पहले यूनिवर्स के मैसेजेस को देख लेते हैं कि आपके पोषण कैसे हैं, ठीक है, कैसे हैं उनको, कैसा कैसे लगते हैं। देखिए आपके पोषण जो भी है ना, इस इंसान में कंपैरिजन करने की बहुत एक ऐसी हैबिट है, यानी कि वो दूसरों की जिंदगी देखकर अपने आप को हमेशा कंपेयर करते हैं कि काश मैं भी ऐसा हो जाता, मेरे पास भी ये सब होता, यानी कि कंपेयर अपने आप को बहुत करते हैं। अपने आप में क्या खूबी है ये आपके पोषण नहीं समझते, अपने पास जो है उन चीज़ों से वो संतुष्ट नहीं होते, उन्हें दूसरों के साथ अपने आप को है ना मोल भाव तोल करने की आदत है, यानी कि कंपेयर करने की कोशिश करते हैं आपके पोषण, समझ गए। ये एक कमजोरी है आपके पोषण की, है ना, कि दूसरों के पास जो है वो उन्हें चाहिए, अपने पास जो है उन्हें उन्हें उनकी कोई मतलब नहीं है, परवाह नहीं है, अपनी एबिलिटी को अपनी खूबियों को नहीं पहचानते। ऐसी एक बैड हैबिट कह लीजिए इनमें है कंपैरिजन करने की, ठीक है। दूसरी बात अब आपको बताते हैं कि ये इंसान बहुत इनोसेंट भी है, मासूम भी है, ठीक है। इस इंसान में ज़्यादा ज़्यादा धोखा देने वाली चीज़ें ऐसी नहीं है, मासूम इंसान है ना। हो सकता है कि कुछ समझदारी की कमी है इस इंसान में, पर दिल इनका साफ है, मासूम इंसान है। यूनिवर्स को लगता है आपके पोषण ऐसे हैं। मैच्योरिटी भी बहुत है आपके पोषण में, बहुत सारी मैच्योरिटी, चीज़ों को बहुत अच्छे ढंग से सोच कर समझ कर कदम आगे बढ़ाएंगे, ऐसा भी इनमें लगता है, मैच्योरिटी भी है। और शायद ये ज़्यादा सोचने और समझने की वजह से भी आपके रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम आई है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि ओवरऑल कार्ड्स को जब मैं देखती हूँ तो ये इंसान मुझे धोखा देने वाला इंसान मुझे नहीं लगता, ठीक है। इन्होंने जो भी किया है कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस किया है, जी हाँ, किसी चीज को पाने के लिए किसी चीज को इस इंसान ने गुमा दिया है, ठीक है। किसी और की चाहतों के वजह से, किसी और को खुश करने के लिए इन्होंने अपने प्यार को गुमाया है, ऐसा लगता है। यानी कि कुछ ना कुछ मैच्योरिटी इन्होंने दिखाई है यहाँ पर, ठीक है। आपको लगता है कि आपके साथ अन्याय हुआ है, धोखा हुआ है, आपको चीट किया गया है, आपके साथ टाइम पास किया गया है, तो ये मुझे नहीं लगता गाइस। सुन लीजिए, ये कलेक्टिव रीडिंग है, पर मुझे इस इंसान की एनर्जी ऐसी नहीं लगती कि ये आपको धोखा देने के लिए आए थे। हाँ, गुस्सेल स्वभाव के कहीं ना कहीं है आपके पोषण, ये मैं मानती हूँ, है ना। आपको हमेशा आपको ही गलत दिखाया होगा इन्होंने, आपके साथ लड़ाई झगड़े किए होंगे, आपको ही हमेशा ब्लेम किया होगा, गुस्सा इनके नाक पे हमेशा रहता है, गुस्सेल स्वभाव के भी है, पर मन के बहुत साफ है, दिल के बहुत साफ है, इनोसेंट इंसान है ना। जो दूसरी चीजों को देखकर थोड़ा सा जलते हैं, कंपेयर करना चाहते हैं कि उनके पास ऐसा है मेरे पास क्यों नहीं है, है ना। पर वही कहीं ना कहीं मैच्योरिटी भी है, समझदारी भी है, चीजों को एनालाइज कर सकते हैं, देखते हैं, है ना, कि कहाँ पर मैंने क्या करना है ताकि कितने लोगों की जिंदगी बच जाएगी और कितने लोगों की जिंदगी खराब हो जाएगी। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ जो आपको बलि चढ़ाया गया है ना इस रिश्ते में, यहाँ पर लगता है कि कहीं ना कहीं इन्होंने किसी और के लिए अपने प्यार का कुर्बानी यहाँ पर दिया है, सेक्रीफाइस इन्होंने किया है, तो सेंसिबल होकर ही इन्होंने डिसीजन लिया है, यहाँ पर ऐसा नजर आता है। बहुत हिम्मत वाले भी हैं आपके पर्सन, करेज इस इंसान में है, ऐसा नहीं है कि हिम्मत की कमी है, करेज की कमी है ना, बहुत हिम्मत वाले इंसान है, पर मुझे सब कुछ यहाँ पर खेल जो है सेक्रीफाइस का ही नजर आ रहा है। तो चलिए यूनिवर्स की तरफ से मैंने आपको बता दिया कि आपके पर्सन कैसे है, किस तरीके के हैं, है ना। अब देखते हैं कि टैरट में क्या क्या निकल कर आया है। देखिए ये इंसान आपके लिए बहुत सीरियस है गाइस, बहुत ही सीरियस है, ठीक है। यहाँ पर बॉटम में जो है जस्टिस का कार्ड निकल कर आया है, जो दिखा रहा है कि आपको लगता है कि आपके साथ अन्याय हुआ है, और ये अन्याय हुआ भी है, पर ये अन्याय उस तरीके से नहीं हुआ है जिस तरीके से आप सोच रहे हो। यानी कि आपको धोखा देकर किसी और के लिए, किसी और बंदा या बंदी के प्यार में पड़कर आपके साथ चीट की गई है, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो ये रीडिंग आपकी नहीं है गाइस, मैं पहले ही बता दूं। ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जिन्होंने किसी और मजबूरी में आकर
आपको धोखा दिए बिना। हाँ, धोखा तो आपको लगेगा कि हुआ है, क्योंकि प्यार वादा खिलाफी हुई है। साथ जीने मरने की जो कस्में खाई थी वो आप उन्होंने पूरा नहीं किया, आपके साथ रिश्ता तोड़ दिया। वजह यहाँ पर क्या क्या हो सकती है? वजह हो सकती है कि फैमिली ने नहीं माना, है ना, फैमिली इनके खिलाफ हो गई, है ना, फैमिली के 10 बाकी लोग जो है खुश नहीं हो पाए आप दोनों के रिश्ते को लेकर, तब जाकर आपको सेक्रीफाइस किया गया। ये एक वजह हो सकती है, ठीक है। दूसरी वजह ये हो सकती है कि इस इंसान का कैरियर आप दोनों के बीच में आ गया, है ना, कि कैरियर अच्छा नहीं है, पैसे रुपये की तंगी है, आपको अच्छा लाइफ स्टाइल नहीं दे सकते, है ना, तो कैरियर के पीछे ज़्यादा फोकस हो गए, ये दूसरी वजह हो सकती है ना। पर धोखा का एंगल मुझे यहाँ पर नहीं लगता, समझ लीजिए इस बात को। आपके पर्सन आपको लेकर बहुत सीरियस थे, बहुत सीरियस है, और आने वाले वक्त में भी आपको लेकर बहुत सीरियस होने वाले हैं। ये इंसान टाइम पास करने के लिए बिल्कुल भी नहीं आया आपकी लाइफ में, ओके। कुछ चीज़ों की वजह से इन्होंने आपको जो है सेक्रीफाइस कर दिया, आपसे दूरी बना ली, आपका दिल तोड़ दिया, जो आपको लगता है कि आपके साथ अन्याय हो गया। आपके पर्सन आपको लेकर इतना ज़्यादा सीरियस है ना कि वो आपको किसी और के साथ बिल्कुल भी नहीं देख सकते। देखिए, फोर ऑफ पेंटिकल्स आया है, इन्हें लगता है कि आप सिर्फ और सिर्फ इनके हो, आज भी आप इनके ही हो, कल भी आप इनके ही रहोगे, और हमेशा हमेशा के लिए आप सिर्फ और सिर्फ इनके ही हो। जी हाँ, इन्हें ऐसा एहसास होता है जब भी ये आपको आपके बारे में सोचते हैं, आपके प्यार के बारे में सोचते हैं। तो कोई धोखा देने वाला, टाइम पास करने वाला इंसान आज आपसे जुदा होकर भी ये नहीं सोचेगा, वो आपके जगह 10 और लाकर खड़ा कर देगा या खड़ी कर देगी, है ना, आपके जगह पर, और आपको दिखाएगा कि तुमसे बेहतर मैंने पा लिया है, तुमसे बेहतर मेरे लाइफ में और भी है। पर ये इंसान अगर आज भी आपको लेकर इतना ज़्यादा पॉजिटिव फील कर रहे हैं, जेलस फील कर रहे हैं, तो आपको सोचना है कि ये इंसान आपके लिए डेफिनेटली सीरियस है। टाइम पास का तो यहाँ पर मुझे नामो निशान भी नज़र नहीं आ रहा है। आज आप इनके लाइफ में नहीं हो तो किस तरीके का चेंजेस, बदलाव यहाँ पर आ रहा है, देख लीजिए। डेथ का कार्ड आया है और हर्मिट का कार्ड आया है, ये दोनों ही कार्ड दिखाने के लिए काफ़ी है कि ये इंसान ना, आज आप इनकी दुनिया में नहीं हो तो ये इंसान बहुत बुरी तरीके से, ये अलग ही एनर्जी में चले गए हैं। इनकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं है, इन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगता, कहीं पर भी ये इंसान खुश नहीं है, है ना। अपने आप को इन्होंने अकेले अकेला कर दिया है, अपने आप को अकेला पाते हैं। आपको तो लगता होगा कि ये खुश है, बाहर बाहरी दुनिया में ये इंसान खुश है, मज़े कर रहे हैं, पर अंदर ही ये इंसान घुट रहा है, ठीक है। दम इस इंसान का घुट रहा है, इन्हें लगता है कि इनकी ज़िंदगी से सब कुछ जा चुका है, सब कुछ ख़त्म हो चुका है, कुछ नहीं बाकी है ना। तो इस तरीके की एनर्जी में कौन इंसान जाता है? जो सीरियस नहीं है वो जाता है। कौन जाता है? वो जाता है जिन्होंने आपके साथ सच्चा प्यार किया है। वो इंसान अपने आप को बदलने की कोशिश करता है जिन्होंने आपको सच्चा प्यार किया है। डेथ का मतलब क्या होता है? डेथ का मतलब यहाँ पर एक मतलब ये है कि आप दोनों का रिश्ता खत्म हुआ है, एंड हो गया है, रिश्ता मर चुका है। तो इस डेथ का दूसरा मतलब होता है कि यहाँ पर बदलाव हो रहा है, जो चीज़ गिरी है, जो चीज़ डेथ हुई है, जिस चीज़ का दी एंड हुआ है, वही चीज़ें अब जो है फिर से पुनर्जन्म लेने वाली है, फिर से नया स्टार्ट हो रहा है, और पॉजिटिव चेंजेस आपके पोर्शन में यहाँ पर आ रहा है। यानी कि ये एक भरोसा है, ये एक उम्मीद है कि आपके प्यार ने इस इंसान को क्या से क्या बना दिया है। आपको ये समझना है, एक इंसान जो कल तक आपके साथ लड़ाई झगड़े करता था, एक इंसान जो कभी आपको वैल्यू नहीं देता था, एक इंसान जो आपको हर बात पर आपकी ही गलतियां निकालता था, और आज आप उनकी ज़िंदगी में नहीं हो तो वो इंसान कितना बदल रहा है। उन्हें किसी चीज़ें मन नहीं लग रहा, उन्हें लगता है कि ज़िंदगी में सब चीज़ें गायब है, खुशियाँ नहीं है, रोशनी नहीं है। तो क्या ये इंसान धोखेबाज हो सकता है? मुझे तो नहीं लगता। कलेक्टिव रीडिंग है, पर इतने फैंटास्टिक बड़े कार्ड्स यहाँ पर निकल कर आए हैं जो इस इंसान के सच्चे प्यार को दिखाता है ना। और देखिए, अब जो है सेक्रीफाइस करने के बाद भी बिल्कुल हैंगमैन, और इंसान करे तो क्या करे, क्योंकि चाहत में बलिदान नहीं किया गया है, समझ गए। चाहकर आपको अपने से दूर नहीं किया गया है, यहाँ पर सेक्रीफाइस किया गया है आपको किसी और के लिए, कुछ और लोगों को खुश करने के लिए, क्योंकि शायद इस इंसान के बस में कुछ नहीं था। ये नहीं चाहते थे कि बाकी के लोग नाराज हो, बाकी के लोग दुखी हो, है ना। तो इसी वजह से गाइज ये सब चीज़ें आपसे दूरी, है ना, यहाँ पर हुई है। पर दूर होने के बाद भी ये इंसान खुश नहीं है। टाइम पास की तो बात ही छोड़ो, यहाँ पर टाइम पास की बात छोड़ दो, क्योंकि यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है जो दिखाता है कि आप दोनों को मिलना अगर बनता था, अगर आप दोनों का मिलना हुआ है तो आप दोनों का बिछड़ना भी यहाँ पर लिखा हुआ था, समझ गए। लिखा लिखा गया था, ये ना आपके रोकने पर रुक सकता था, ना आपके पोषण के रोकने पर रुक सकता था, क्योंकि ये किस्मत से ही लिखी गई चीज़ें थी कि आप दोनों को ही दर्द सहना है इस रिश्ते में। और दर्द अभी आप दोनों ही सह रहे हो, दर्द में आप दोनों ही हो अभी, है ना। आप दोनों ही उम्मीद कर रहे हो कि कल का जो दिन है वो अच्छा होगा,
मेरे पोषण आएंगे। आप भी इसी उम्मीद में हो और आपके पोषण भी इसी उम्मीद में है कि कल सब कुछ अच्छा हो जाएगा, मेरी ज़िंदगी में भी खुशियाँ आएगी। जो भी मैंने चाहा है, जो भी मैंने सपने देखे हैं, वो सारे सपने मेरे पूरे हो जाएंगे। और इनका सपना क्या है? इनका सपना है आपके साथ हर चीज़ देखने का, आपके साथ खुश होना है इनका सपना। क्योंकि कप्स की एनर्जी हमेशा प्यार को दिखाता है, परिवार को दिखाता है, प्यार से रिलेटेड जितनी भी विशेष होती है हमारी, उन विशेष को दिखा रहा है। और आपके पोषण यहाँ पर विशेष भी मांग रहे हैं, मन्नतें भी मांग रहे हैं, मैनिफेस्टेशन भी कर रहे हैं, दुआएं भी कर रहे हैं आपको पाने के लिए, है ना। उस वक्त का इंतजार कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, है ना। तो इनकी ये जो तमाम विशेष है ना गाइज, ये तमाम विशेष यहाँ पर पूरी होने वाली है। जी हाँ, विश फुलफिलमेंट का काम हमें कार्ड हमें मिला है, जो दिखाता है कि तमाम आप दोनों के रिश्ते को लेकर जो भी सपने आप दोनों ने साथ में बुने हैं ना, साथ बैठकर कि घर बनाना है, परिवार बनाना है, इतने बच्चे चाहिए, यहाँ घूमने जाएंगे, ऐसे कैरियर को चूज करेंगे, ऐसा काम करेंगे, दोनों मिल बांट कर सब कुछ हंसते खेलते जिंदगी बिताएंगे। तो ये जो तमाम सपना था ना आप दोनों का, ये दोनों का सपना यहाँ पर पूरा होगा। क्योंकि यहाँ पर नाइन ऑफ कप्स के साथ आया है व्हील ऑफ फॉर्चून, जो जो दिखा रहा है कि बस वक्त है, वक्त का खेल है, जब ये वक्त आएगा तब तुम दोनों को सब खुशियाँ दे दी जाएगी। ठीक है, तो बिल्कुल देखिए, हमेशा मैं जब भी कोई और रीडिंग करती हूँ तो वहाँ पर गिल्ट का कार्ड आता है, सप्रेशन का कार्ड आता है, आइसोलेशन का कार्ड आता है। इस रीडिंग में देखिए कितने अलग कार्ड निकले हैं, है ना, जो दिखाता है इस इंसान की सच्चाई को प्रूफ करता हुआ कार्ड निकला है, जो एक मैच्योर इंसान है जिसने कुछ और लोगों के लिए अपने प्यार का बलिदान कर दिया। अंदर से ये बहुत इनोसेंट है, मासूम है ना, इस इंसान के दिल में खोट नहीं है। और कंपेरिजन है कि खुद को दूसरों से कंपेयर करने की थोड़ी सी बैड हैबिट, थोड़ा सा एक नेगेटिव सोच इस इंसान में है कि वो ये दूसरों की जिंदगी को बहुत देखते हैं, है ना, और अपनी एबिलिटीज को नहीं देखते। हिम्मत वाले भी ये इंसान है, ठीक है, बहुत हिम्मत वाले हैं आपके पोषण। हिम्मत करके ही तो आपके प्यार को सेक्रीफाइस किया है, वरना इतना प्यार करने वाला इंसान इतनी आसानी से कैसे अपने प्यार को किसी और के लिए निछावर कर देगा, है ना। तो बहुत सोचा है इस इंसान ने, आपसे जुदाई बनाने से पहले बहुत सोचा है इस इंसान ने, समझ रहे हो। तो फ्यूचर भी देख लीजिए, फ्यूचर बहुत ब्राइट है आप दोनों का, है ना। बॉटम में ही जस्टिस का कार्ड आया है, जो दिखा रहा है कि इस इंसान को एहसास है कि इन्होंने बहुत बुरी तरीके से आपके भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, आपके दिल को तोड़ा है ना, आपके साथ अन्याय इस इंसान ने किया है। इस बात का एहसास आपके पोषण को है, तभी जाकर जस्टिस आया है, यानी कि ये इंसान आपको न्याय देना चाहते हैं, है ना। और न्याय कब देंगे? जब ये वक्त आएगा। इनके चाहने पर या आपके चाहने पर ये सब चीजें नहीं होगी, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून आने का मतलब ही है कि इस रीडिंग के खत्म होते ही आप में से कुछ लोगों का यहाँ पर कर्मा चेंज हो रहा है। आपके पोषण आपकी जिंदगी में वापस इस रिश्ते को फिर से स्टार्ट करने के लिए आ रहे हैं, बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर कर आ रहे हैं, यानी कि आपके ना होने का जो एक एहसास है ना, इस इंसान को बदल रहा है। इन्हें एहसास हुआ है कि इन्होंने क्या चीज गुमा दी है कुछ लोगों के चक्कर में, ठीक है। नई शुरुआत का दो दो कार्ड आया है, एस ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप्स, यानी कि प्यार की शुरुआत ये इंसान आपके साथ करना चाहते हैं, और आपको और इस रिश्ते को जीतने के हिसाब से ही नए ढंग से नई शुरुआत आपके पोषण यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। बहुत सारी खुशियां लेकर आ रहे गाइस। सन का कार्ड आ गया, समझो सब कुछ आ गया, समझ गए, खुशियां आ गई, है ना। जो जिस अंधेरे में आपके पोषण और आप अभी यहाँ पर गुजर रहे हो, दर्द को देख रहे हो, आंसुए गिरा रहे हो, सो नहीं पा रहे हो, खाना पीना छोड़ रखा है, तो ये सब अंधेरा जो है अब गायब गायब होगा, है ना, गायब होगा। यानी कि सन की रीडिंग आ गई और व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया और विश फुलफिलमेंट का कार्ड आ गया, साथ आ गया हमें डेथ और जस्टिस का कार्ड, तो और क्या चाहिए ये बताने के लिए कि ये इंसान टाइम पास करने वाले इंसानों में से नहीं है। इन्होंने पहले भी आपसे सच्चा प्यार किया है, आज भी आपसे सच्चा प्यार करते हैं, और कल यही प्यार है जो इस इंसान को आपकी तरफ लेकर आएगा, और इन्हें लेकर आने वाला होगा हमारा ऊपर बैठा जो है ना इंसान, देवता, भगवान, अल्लाह, जो भी आप मानते हो, है ना, जिससे भी आप, जिस भी देवी देवता को, जिस भी ईश्वर को, जिस भी यूनिवर्स को आप मानते हो, वो ही जो है आपके इंसान को, आपके पोषण को आपके पास लेकर आएगा। यही होता है व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड। और कैसे लेकर आएगा? बदल कर लेकर आएगा। जो भी गलतियां पास्ट में हुई है ना, चाहे आपके तरफ से हुई, चाहे आपके पोषण की तरफ से हुई, है ना, वो सब चीजें चली जाएंगी और नई तरीके से आप दोनों के बीच में स्टार्ट होगा, नई बिगनिंग होगी, और यहाँ पर कोई टाइम पास नहीं होने वाला है गाइस। क्योंकि इस इंसान को ना आपके साथ ही सब खुशियां नजर आती है, देखिए आपके साथ ही खुश हो सकते हैं, आप नहीं हो तो इस इंसान को ऐसा ही होना पड़ेगा, हर्मिट के मोड में ही जाएंगे। और आप देख लीजिए ना, जब भी हर्मिट का कार्ड आता है, एक्शन का ज्यादा कार्ड नहीं निकल कर आता है
है ना, और हरमिट के साथ व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया तो आपको पता चल गया है ना कि वक्त का खेल है, टाइम लगेगा, कछुए की चाल है आपके पोषण की, बदल कर सुधर कर है ना अपनी गलतियों का एहसास होकर आएंगे आपके पास, और जब आएंगे तो बहुत अच्छे ढंग से आएंगे, आपको सब खुशियाँ ला कर देंगे। यही तो होता है हरमिट और व्हील ऑफ फॉर्चून जब आता है रीडिंग में, है ना। तो बिल्कुल भी टाइम पास नहीं है गाइस, ये बिल्कुल ये सच्चा इंसान है। आज आज भी आपके लिए देखिए बहुत तड़पते हैं, डरते हैं कहीं कि कहीं आप कहीं और ना चले जाओ, है ना, क्योंकि हो सकता है कि अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, अपने आप को बना रहे हैं, आपके लिए तैयार कर रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आने के लिए बहुत सारी चीज़ें ये इंसान कर रहे हैं, है ना। तो आप बिल्कुल भी इनके दिल में ही हो गाइस, जुदा नहीं हो, ये बात बिल्कुल दिमाग से निकाल लो अपने कि ये इंसान टाइम पास करने के लिए आया है। अगर इन्होंने पहले आपके साथ कुछ गलतियाँ की भी है ना गाइस, तो आपको देखना है कि सुधार आ रहा है, सुधर रहे हैं ये इंसान। यहाँ पर भी मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत बड़ा चेंज आपके पोर्शन में हो रहा है और इस रिलेशनशिप में होने वाला है, जो आप लोग सोच भी नहीं सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते, समझ गए। तो हिम्मत मिली है, हिम्मत का कार्ड मिला है यूनिवर्स की तरफ से, तो ये भी दिखाता है कि हिम्मत करेंगे आपको अपनाने के लिए, आपको अपनी ज़िंदगी में लेकर आने के लिए बहुत हिम्मत करके, सेंसेबल होकर, मैच्योर होकर, समझदार होकर ये इंसान जो है आपकी दुनिया में फिर से वापस आएंगे। पर इसमें लगेगा थोड़ा वक्त, जी हाँ थोड़ा वक्त लगेगा। देखिए हरमिट है, यहाँ पर हरमिट चल रहा है गाइस, समझ गए ना। तो टाइम पास नहीं है बिल्कुल, बहुत सीरियस है आपके आपके लिए। अगर आपको दर्द दिया गया है तो इसके पीछे की सिर्फ और सिर्फ एक वजह है कि इन्होंने किसी और के लिए, किसी और चीज़ के लिए आपके प्यार का गला घोटना ही सही समझा, है ना। क्योंकि इंसान प्रेजेंट सिचुएशन में जब हैंडल नहीं कर पाता, डील नहीं कर पाता, तो वो गलत डिसीजन ले लेते हैं। तो कुछ गलतियाँ इनकी डिसीजन मेकिंग में हुई है ना, डिसीजन मेकिंग में इन्होंने गलती कर दी है और इसका पछतावा भी इन्हें हो रहा है। बॉटम में निकल कर आया है जस्टिस का कार्ड, तो इस इंसान को सुधरने दीजिए, ये इंसान डेफिनेटली वापस आपकी तरफ आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, बदल कर आएंगे, बहुत सारी खुशियाँ यानी कि सन लेकर आपकी ज़िंदगी में वापस आ रहे हैं, ठीक है। तो गाइज यही थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो कमेंट करके बताना अगर इसमें मैं पिक कार्ड रीडिंग करूँ, क्योंकि जनरल रीडिंग में सभी की एनर्जीज नहीं होती है ना मैच। अब ये व्हील ऑफ फॉर्चून आया है तो बस चंद लोगों के लिए आया होगा, है ना, सभी के लिए नहीं है ये यहाँ पर, तो इसी वजह से पिक कार्ड में थोड़ी क्लैरिटी मिल जाती है हमें, है ना। तो टॉपिक अगर आपको पसंद आता है, बहुत नया टॉपिक है ये, है ना, तभी मैं पिक कार्ड रीडिंग करूंगी अगर बहुत सारे कमेंट्स आएंगे तो। अगर दो चार कमेंट्स आएंगे तो मैं पिक कार्ड नहीं करूंगी इस रीडिंग पर, इस टॉपिक पर गाइस, ठीक है ना। तो चलिए इतना कहते हुए रीडिंग अब मैं कर रही हूँ क्लोज। आपको रखना है अपना बहुत अच्छा ख्याल, क्योंकि मैं करती हूँ आप सबसे बहुत ज़्यादा प्यार। आई लव यू ऑल, टेक केयर, नमस्ते एंड बाय बाय गाइस।